ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी चल रहा है आपके दिमाग में, सो बेसिकली मैं ये देखना चाहती हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे क्या आपके लिए वो कुछ एक्शन लेंगे, कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, किस तरह का एक्शन लेंगे या किस तरह की सिचुएशन में उनका अगला क्या एक पड़ाव है इस सिचुएशन में, तो इस पर हमारी रीडिंग रहेगी। दूसरा, ये रीडिंग जो है ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, तो अपने साइन के अकॉर्डिंग, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग, जो भी या नाम राशि के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। लास्ट में मैं आपके लिए एक जनरल गाइडेंस निकालूंगी, जो कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में करनी होगी, जो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और जितने भी लोगों ने आज पहली बार मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। आई शुड से कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करा करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश करें, मेरे चैनल को, मेरे मोराल को बूस्ट करें। मुझे मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से फ्रेंड्स। सो रीडिंग को अब ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जेमिनी यानी के मिथुन राशि, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। सो क्या है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की जेमिनी के। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, चैरियट। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो आपके पार्टनर निकलना चाहते हैं रिश्ते से, रिश्ते में इमोशनल विड्रॉल है, रिश्ते में रहने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मूवमेंट लेना चाहते हैं, उनको उस रिश्ते में नहीं रुकना है, उनको उस रिश्ते में वो हैप्पीनेस फील नहीं होती। फिलहाल के लिए उन्होंने हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ रखी है, कोई एक्शन वो लेते नहीं नज़र आ रहे। बट एक चीज़ जो उनकी फीलिंग्स में दिख रही है वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो सामने आकर कुछ अब इस तरह से चीज़ों को करें जहाँ पर वो शायद कुछ इम्प्लीमेंटेशन का कार्ड आया है, जिसमें मुझे दिख रहा है कि शायद अब वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो कैसे अब रिश्ते से एक फॉर्मल तरीके से निकलना चाहते हैं। देखिए, ये जो रीडिंग आ जाई है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे जेमिनी के पार्टनर्स के लिए हो, तो प्लीज़ मैं ये बात इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग कहीं बहुत ज़्यादा सैड ना हो जाएं। और ये सबके पार्टनर्स के लिए नहीं हो सकती, ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ वैसे लें। और आपको कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन देना चाहते हैं ये पार्टनर कि हाँ मुझे अब इस रिश्ते से निकलना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे आगे निकलना है, मैं इमोशनली विड्रॉ करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ या और अब मैंने ऊपर वाले पे भले ही छोड़ा है। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं इस पर्सन की रिलेशनशिप से निकलने वाली, मुझे नहीं लग रहा कि ये इस रिश्ते में रुकना चाहते हैं। इंटेंशंस क्या हैं इनकी, इंटेंशंस देखते हैं। इंटेंशंस में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको तीखे जवाब देते होंगे अगर आप इनसे कभी कोई क्लैरिफिकेशन मांगने की भी कोशिश करते हो या कोई बात करने की भी कोशिश करते हो। सो मुझे इनकी तरफ से नहीं दिख रहा कि ये कोई आपको बहुत ही लविंग आंसर्स देते हैं या कोई बहुत
अब देखिए दो तरीके की सिचुएशन है, या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये ऐसे करते हैं, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में रहकर ही बहुत ज़्यादा पेन मिला इनको, बिल्कुल खुश नहीं थे ये और बहुत सफोकेटेड फील करते थे, खुश नहीं रहते थे, आपका साथ इनके लिए शायद एक लेवल के बाद बोझ हो गया था या कुछ ऐसा हो गया था जहाँ इन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स हैं। तो आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ें अपने ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मैंने इसके साथ क्या किया, हाय मेरे को, अगर आप अपनी जगह सही थे आपने, सो खुश तो इंसान किसी को नहीं रख सकता, ये चीज़ हम सबको खुश नहीं रख सकते, हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग इस वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं या सैडनेस में चले जाते हैं ये सोच सोच के कि क्या उनसे ऐसी गलती हो गई, क्यों उनका पार्टनर इतना उन्हें समझ नहीं पाया। या तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी गलती ही थी या आपने बहुत ज़्यादा बहुत बड़े ब्लंडर्स कर दिए जिसकी वजह से इसने किया, इसको नहीं समझ में आया और इसने अपना पीछा छुड़ाया बेसिकली, ठीक है। रिश्ते को निभाने के भी बहुत तरीके होते हैं, सो कोई इंसान अगर नहीं रहना चाहता तो ज़बरदस्ती उसे रोक के भी मत। देखते हैं क्या है ये, कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। सो एक्शन के लिए इनके दूसरे डेक से देखेंगे। सो दूसरे डेक से देखते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है ये बहुत दिमाग चलाकर कुछ प्लान्स तो बना रहे हैं आगे के लिए और सोच भी रहे हैं, क्योंकि नहीं पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा वो हैं, तो आप इनकी हर एक चीज़ को समझेंगे और देखेंगे। देखिए इन, मुझे ऐसा लगता है ये कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे आने वाले दिनों में आपके लिए, और वो आपको दिखेगा, वो आपको पता चलेगा। कुछ इनकी तरफ से मुझे आता नज़र आ रहा है आपके लिए, कोई बातचीत, कोई बिहेवियर, कोई ऐसी चीज़। सो आप प्रिपेयर्ड रहें, आप तैयार रहें कि जो भी ये बोलेंगे, जो भी ये कहेंगे, आप उन्हें लेने के लिए तैयार हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, जेमिनाई के लिए। सो जेमिनाई के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। सो रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा का जैसे कार्ड आया है, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स, तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, सो आप उसे रिग्रेट मत करें, उस चीज़ पे काम करें और अपनी गलती को अब ठीक कर लें अगर हुई हैं तो, और ज़्यादा सैड होकर, ज़्यादा उदास होकर ना चलें, कोई फ़ायदा नहीं है जेमिनी आपके लिए। एंड अगला है लॉर्ड हनुमान का, सो डेडिकेट योर सेल्फ टू लॉर्ड शिवा, तो थोड़ी बहुत ऊपर वाले की प्रेयर्स करें, पूजा पाठ करें, और अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, कुछ भी, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे रिश्तों में आगे डील कर रहे हैं, जो भी, हर जगह ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ ही आगे बढ़ें, अपने दिल को साफ रखें, बाकी सामने वाले को जो सही लगता है वो तो वही करेगा, हमारे करने से या हमारे चाहने से तो कुछ होने वाला है ही नहीं। तो ये तो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल ही दो, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, और आप अगर पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको स्लॉट बुक करके टाइम बताऊंगी। सो मिलते हैं, बाय फ्रेंड्स।